हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज, मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 12:30 बजे से। खाना है तो आप भी खा लो। खाना खा चुके हूँ लेकिन आज मेरा पेट नहीं भरा है क्योंकि आज मैं दाल नहीं बनाई थी, और दो रोटी इतने बड़े शरीर में कहाँ पता चलेगा। आज हमारे घर पे बन रहा है गुजिया, तो गुजिया बनाने आई है सिद्धि। लड्डू सिद्धि भी आए हैं घर पे और हम लोग खा रहे हैं लावा मखाने का। आपको भी अच्छा लग रहा है क्या? उस दिन दे रही थी तो नहीं खाए थे? उस दिन दे रही थी तो नहीं खाए थे? बोला था नहीं खाऊंगा, झूठे। ब्लॉग में बने रहिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से। हाँ, दिखा रहा है। क्या रे सिद्धिया, नहीं करना। सो गाइज, यहाँ पे देखिए पूरा ड्राई फ्रूट वगैरह मिक्सी में पिसा गया है। और ये है नारियल का बुरादा, जिसको चूड़ा भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे चीनी है पिसी हुई, और यहाँ पे देखिए आटा गूंद के रखा हुआ है। तो अब बनेगा गुजिया, गुजिया की पूरी तैयारी हो गई है। और ये देखिए, यहाँ पे पहले ड्राई फ्रूट को देसी घी में भूनेंगे, उसके बाद वो। सो गाइज, यहाँ पे ये देखिए जो खोल रहे, इसमें है खोआ, आधा किलो खोआ आया है। ज़्यादा गुजिया बनाते बनाते ना उबन आ जाती है, तो इतने में देखो कितना गुजिया बनता है। तो ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ पे नेहा देवी कुछ खोज रही हैं। क्या खोज रही हैं मुझे भी नहीं पता। अच्छा हाँ, वो पलटा खोज रही हैं चलाने के लिए, और जबकि पलटा वहाँ टंगा हुआ है। चलिए, दूसरे घर में वैसे पता नहीं चलता, समझ में नहीं। वैसे नेहा तो दूसरे का नहीं, अपने ही घर की है, क्योंकि हर चीज़ उनको मालूम होता है, वो कभी कभी भूल जाती है। अब इसमें बनेंगी, पहले ड्राई फ्रूट जो है ना, उसको मसाला बनाया गया, उसका चूड़ा बनाया गया है मिक्सी में पीस के। तो सबसे पहले उसी को भूनेंगे देसी घी में। तो इस डब्बे में रखती हूँ देसी घी। तो ब्लॉग में बने रहिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइज, यहाँ पे अब इसमें भुना जा रहा है सूजी। थोड़ा सा सूजी डालेंगे। सूजी डालने से क्या होता है ना कि जो गुजिया रहता है ना, थोड़ा दिन चलता है। और एकदम खोए का बना दो ना तो वो चलता नहीं है, 2-4 दिन में एक स्मेल आना स्टार्ट हो जाता है। तो इतनी जल्दी तो गुजिया ख़त्म होती नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा सूजी डाल रहे हैं। आधा किलो खोआ है तो उसमें 1/4 किलो सूजी डाल रहे हैं। और आपको दिखा दी कि ड्राई फ्रूट देखिए कितना है, उतना पूरा ड्राई फ्रूट ही था। अब इसको लाल होने तक भूनना है, फिर इसको पूरा मिक्स कर देना है इसी में। ये देखो, ये ड्राई फ्रूट है, इसी में मिक्स करना है शक्कर वगैरह। तो आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट करके। और यहाँ पे ये देखिए चीनी वगैरह डाल दिया है, मिक्स कर रहे हैं इसको। उसके बाद अभी खोआ बचा है, अभी खोए को भी गर्म करना है, क्योंकि फ्रिज में रखा था तो 1 दिन पहले के ही आके रखा हुआ है, तो उसको गर्म करना है। तो उसको दूसरी कढ़ाई में गर्म करेंगे। 321 तो ये है खोआ, गर्म हो रहा है।
गरम होने के बाद फिर गुजिया बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ब्लॉग में अंत तक बने रहिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइस यहाँ पे बन गया है गुजिया। अब इसको फ्राई कर रहे हैं तेल में। तो ये तेल फ्राई करने के लिए राई का तेल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो आधा हो गया है, आधा ही बचा है। और यहाँ पे देखिए बच्चे लोग खा रहे हैं गुजिया। अब मुझे भी लग गई है भूख, तो मैं गुजिया तो नहीं खाऊंगी, लेकिन हाँ पोहा ज़रूर खाऊंगी। नेहा से बोली हूँ पोहा बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए दोनों मस्ती कर रहे हैं बच्चे लोग। तो चलिए चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे अभी तक गुजिया छाना ही जा रहा है और मुझे लगी है भूख। तो अब पोहा बनेगा तो मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे मेरा पोहा रेडी हो गया है, मैं जा रही हूँ खाने खाने मतलब। तो यही है आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।